सो दोस्तों, अभी रिसेंट्स में ब्राजील में जो राइट नाउ G20 का समिट चल रहा है, तो इसमें ये खास चीज ये देखा गया कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो जो बिडेन जो है, ये दोनों ने इग्नोर किया किसको, तो कनाडा के जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को। आप सभी को याद होगा कि एक तो है कि अभी रिसेंट में अमेरिका का इलेक्शन हुआ, डोनाल्ड ट्रंप वहां के प्रेसिडेंट बने। अब जनवरी फरवरी में जब वहां पर वो सिस्टम शुरू होगा तो देखा जाएगा। बट अब सवाल ये है कि ये जस्टिन ट्रूडो को इग्नोर करने का सबसे बड़ा कारण क्या था। तो सबसे बड़ा कारण आप जानते हैं कि भारत और कनाडा का रिलेशन अभी बिगड़ा हुआ है, इसको लेकर के जो G20 का समिट ब्राजील में जो राइट नाउ चल रहा है उसमें इग्नोर किया गया, और ऑब्वियसली करना भी चाहिए, ऑब्वियसली करना भी चाहिए। बट सवाल ये है कि अब ये G20 जो ग्रुप है या एक फोरम है, ये होता क्या है। देखिए बेसिकली क्या है, इसमें टोटल 19 कंट्री है और उसके साथ साथ एक आपकी अफ्रीकन यूनियन है और इसके साथ एक आपकी यूरोपियन यूनियन है। तो अफ्रीकन जो यूनियन थी, 2023 में जो समिट हुआ था वो हमारे भारत में हुआ था, ठीक है। तो लगभग मान के चलिए दोस्तों कि एक साल के बाद ये कंप्लीट हुआ। 2024 का जो समिट है वो ब्राजील में है, तो जिसमें इसको हम बोल सकते हैं कि G20 और अफ्रीकन यूनियन को अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा G21। तो इस पार्टिकुलर सेक्शन में आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ पर ये होस्ट हो रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देन इसके साथ साथ इस पार्टिकुलर समिट में ब्राज़ील में ये खास बात क्या देखा गया कि यहाँ पर जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है लूला जी, तो उन्होंने, अगर आप उनके बारे में आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, तो उन्होंने हंगर और पॉवर्टीज को लेकर के एक अलग सा अलायंस वहाँ पर बनाया है, जो एक ऐतिहासिक अलायंस है, जिसको हम लोग कह सकते हैं ग्लोबल अलायंस फॉर हंगर एंड पॉवर्टीज को लेकर के। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप के आने के बाद ये जो अलायंस चलेगा, बिकॉज ट्रंप जो है अमेरिका को एज ए कंट्री नहीं मानता, वो एक कॉर्पोरेट की तरह चलाएगा, ऑब्वियसली आप लोग जानते भी हैं। तो हम लोग आज के सेशन के माध्यम से थोड़ा डिटेल्स में ही जाएंगे, और इनफैक्ट एक जो इम्पॉर्टेंट पिक्चर है जो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि जैसे ये आपके अफ्रीका के प्रेसिडेंट है रामापोसा, इसके साथ ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है देखिए लूला जी, इधर आपका प्रधानमंत्री मोदी जी दिख जाएंगे, देन आपका यहाँ पर देखिए जस्टिन ट्रूडो है, ठीक है। लेकिन इसको साइड कर दिया गया। लेकिन एक और जो फोटो है जिसको फैमिली फोटो कहा जाता है, वहाँ पर आप देखिएगा तो ये आपका हो गया G20 लीडर्स का गैदर फॉर फैमिली फोटोज। और इस फैमिली फोटोज में क्या देखा गया दोस्तों, कि ये तो लूला जी हैं ब्राजील वाले, है ना, ऑब्वियसली, और ये अफ्रीका वाले हैं। अच्छा, इसके बाद ये मोदी जी हैं। यहां पर कहीं भी आपको नहीं दिखेगा कि जस्टिन ट्रूडो कहां पे, गायब है बिल्कुल। अच्छा, ये फ्रांस वाले मैक्रोन है ना, वो अर्जेंटीना वाले जो प्रधानमंत्री, उनसे बात कर रहे हैं। तो अब सवाल है कि पुतिन कहां है दोस्त। तो देखिए पुतिन कहां पे है, बता देते हैं आपको। अब देखिए पुतिन जो है वो क्या बोला कि हम अभी नहीं आ सकते बिकॉज हम बिजी हैं थोड़ा। तो उसके बदले में वो अपना जो फॉरेन मिनिस्टर है उसको भेजा है, ठीक है, लैदरोफ को, जो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये बेचारे यहाँ पर साइड में खड़े हुए हैं, ठीक है। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि इस तरह के डेलीगेशन में जो हेड होते हैं, लाइक कोई पीएम है या प्रेसिडेंट है, उनको फ्रंट पे रखा जाता है, और मान लीजिए कोई मिनिस्टर है तो उनको पीछे बैक पोजीशंस पे दिया जाता है। इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ और कौन गए हैं, तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब भी गए हैं। तो चलिए लौटते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये जो पार्टिकुलर समिट है ये 19वां नंबर का समिट है, हेड ऑफ द स्टेट एंड कह सकते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट का। अब देखिए अगर भारत के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो हेड ऑफ द स्टेट जो भारत का होता है वो प्रेसिडेंट होता है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात करेंगे तो हमारे PM होते हैं। तो उसी तरह से हमारे देश में अगर बात करें तो PM का थोड़ा ज़्यादा पावर है, तो किसी कंट्री में प्रेसिडेंट का ज़्यादा पावर होता है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अमेरिका का। देन इसके साथ साथ ये पार्टिकुलर ग्रुप करती क्या है, तो देखिए इसका मेन जो फोकस्ड है वो क्या है, इसका मेन फोकस्ड है इंटरनल सिक्योरिटी, देन इसके साथ साथ आपका पॉवर्टी, हंगर, प्रमोशन, इनकरेजमेंट्स, ये सारी चीज़ें इसका मेन, मतलब कि पार्टिकुलर पर्सपेक्टिव होता है दोस्तों। 2024 का समिट का थीम क्या है दोस्तों, तो बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लानट, ये इंपॉर्टेंट थीम जो आपको इसको याद रखना है। इसी के साथ साथ इस समिट्स में कई सारी कंट्रीज मेंबर है, हालांकि इसका एक ट्रिक्स भी है पढ़ने का G20 को, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज है उसको आपको रिमेंबर रखना है, जैसे एज फॉर एग्जांपल ब्राज़ील, कनाडा, भारत, फ्रांस, चाइना, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरियो, मैक्सिको, रशियन फेडरेशन, ऐसी तमाम कंट्रीज इस पार्टिकुलर ग्रुप की जो है एक मेंबर है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप भी है। हालांकि इसमें जो भी डिसीजन लिया जाता है वो कंपल्सरी या लीगल नहीं होता है, बट हाँ कह सकते हैं कि अगर एक डिसीजन लिया गया और अगर आप उसको मानते हैं तो एक इम्पैक्टफुल या इन्फ्लुएंशियल हो सकता है दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम बात करेंगे G20 के ग्रुप का शुरुआत का, तो यहाँ पर आप
देखिए कि इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1999 में। देन इसके साथ साथ अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की देखा जाए यहाँ पर, तो इट्स नॉट अ लेजिस्लेटिव बॉडी, इट्स ए सिंपल अ फोरम जिसमें कई सारे कंट्री आती है, डिस्कस करती है, लाइक क्लाइमेट चेंजेस को लेकर के एनवायरमेंटल परस्पेक्टिव से ऐसे कई सारे मुद्दों पर बात किया जाता है। हालांकि इस बार का भी जो समिट है तो यहाँ पर भी यही मेन मुद्दा है, ग्लोबल पॉवर्टी, हंगर, देन इसके साथ साथ क्लाइमेट का जो इश्यूज है वो, यही नहीं सारी चीज़ों पे मुद्दों पे बात किया जाएगा। ठीक है, G20 समिट्स काफ़ी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, उन्होंने अपने स्पीच में इस G20 के पार्टिकुलर समिट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट किया। तो देखिए, पहला अपडेट ये है कि फोकस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सेकंड है आपका कि भारत का जो अचीवमेंट था पॉवर्टी एलिविएशन एंड फूड सिक्योरिटीज में, वो स्पीच में था इनका। इसके बाद भारत का ग्लोबल क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है एंड कोलेबोरेशंस क्या है अलग अलग कंट्रीज के साथ, वो इंपॉर्टेंट था। देन इसके साथ साथ ग्लोबल साउथ विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वुमेन लेड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशंस का जो है स्पीच में बात किया गया है। मैंने आज आपको इस सेशन के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपके सामने मैंने डिस्कस किया। इसी के साथ साथ जाते जाते दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, ब्राज़ील का जो है खासकर कैपिटल और करेंसी क्या है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जैसे ही आएगा मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से दूंगा। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।